नमस्कार, मैं डॉक्टर कमलेश सूर्यवंशी, आपका होम्योपैथिक मित्र। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा शरीर एक अद्भुत चमत्कार है। हमारे शरीर में जो भी बॉडी पार्ट्स है उसका हर एक का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। वैसे ही हमारे शरीर में जो टॉन्सिल्स है उनका एक महत्वपूर्ण रोल है। जैसे अगर हमारे शरीर में टॉन्सिल्स नहीं होता तो हमें बार बार इन्फेक्शन होते रहता था, हम इन्फेक्शन के शिकार होते रहते थे, क्योंकि जो एंटीबॉडीज बनती है वो हमारे टॉन्सिल्स से बनती है। इसलिए टॉन्सिल्स का महत्वपूर्ण रोल हमारे शरीर में है। लेकिन ये टॉन्सिलाइटिस होती क्यों है? इसकी प्रमुख वजह है स्ट्रेप्टोकोकस, जो बैक्टीरिया है उसके वजह से होती है। वैसे ही अदर बैक्टीरिया लाइक एप्स्टीन बार वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस, एंटेरो वायरस, ऐसे बहुत सारे जो वायरसेस है उनसे यह जो टॉन्सिल्स है उसकी बीमारी होती रहती है। इसके प्रमुख लक्षण क्या है? जैसे कि आप जानते हैं, जब भी हमें टॉन्सिलाइटिस की शिकायत होती है तो फिर हमारे गले में दर्द होता है, वहाँ टेंडरनेस होता है, यहाँ लाल या सफ़ेद ऐसे आपको धब्बे दिखेंगे या आपको ब्लिस्टर्स दिखेंगे, और वह टॉन्सिल्स आपको बहुत ही रेड स्वेलन, वहाँ एक सूजन दिखाई देगी, वहाँ दाने दाने दिखाई देंगे। आपको कुछ स्वेलो करना है, कुछ खाना है तो उसमें बहुत परेशानी होती है। वैसे अगर आपको कुछ ड्रिंक्स लेना है, पानी भी पीना है, तभी भी आपको बहुत तकलीफ होती है। यह तकलीफ कभी कभी कानों तक जाती है, इतना दर्द होता है कि आप वह दर्द कभी कभी सहन नहीं कर पाते हो। आपके जो नेक और जॉ के जो ग्लैंड्स है उनमें भी स्वेलिंग आ जाती है, आपको बोलने में बहुत परेशानी होती है, आपको फीवर आता है, फीवर के साथ आपको ठंड लगती है, और वैसे आपको सर दर्द होता है, बॉडी एक होता है, वीकनेस होता है, खाने की कुछ इच्छा नहीं होती। यह उसके प्रमुख लक्षण है। वैसे ही अगर छोटे बच्चों में यह टॉन्सिलाइटिस की शिकायत आ जाए तो फिर उनको भी वैसे ही जो मैंने अभी लक्षण बताए वैसे ही होता है, लेकिन इसमें और एक कुछ चीज़ें देखने लायक होती है, और वह है उनका स्टमक अपसेट होता है, स्टमक में पेन होता है, वोमिटिंग होती है, और कभी कभी यह इतने हद तक चले जाता है कि उनको खाने पीने की बिल्कुल एपेटाइट नहीं होती। वह अगर उनके सामने खाना उनके पसंदी का भी रखा जाए तभी भी उनको खाने की इच्छा होती नहीं है। ये इसका प्रमुख लक्षण है। तो यह जो टॉन्सिलाइटिस है इसका साइकोडायनामिक अगर हम विचार करें, जैसे कि साइकोडायनामिक यानी ऐसी चीज, यानी आप जो विचार कर रहे हैं, जो विचार आपके मन पे बहुत ही हावी हो रहा है, और उस विचार से जब आपके शरीर में कौन सी तो बीमारी आती है तो उस विचार को साइकोडायनामिक कहते हैं। और यह जो टॉन्सिलाइटिस है उसका साइकोडायनामिक्स क्या है कि आप कुछ तो स्वेलो करना चाहते हैं, आप कुछ तो निगलना चाहते हैं, लेकिन आप स्वेलो नहीं कर पा रहे। फिर वो कुछ अनुभव होगा या कौन सी बातें रहेगी, तो जो आप स्वेलो करना चाहते हैं वो बात आप निगलना चाहते हैं लेकिन आप कर नहीं पा रहे, या किसी चीज़ का आपको अनुभव करना है लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो, तभी आपको टॉन्सिलाइटिस की शिकायत हो सकती है। वैसे ही अगर आपके पास सब कुछ है लेकिन वह नहीं है जिसको आपकी जरूरत है, तभी आपको टॉन्सिलाइटिस की शिकायत हो सकती है। वैसे ही अगर आप कुछ कार्य कर रहे हैं और आपको पता है वह कार्य पूरा होगा, लेकिन तभी भी आपको हमेशा एक डर लगा होता है कि वो कार्य सफल होगा कि नहीं, मैं उस तक पहुंच पाऊंगा कि नहीं, ये जो डर आपके मन में लगा रहता है तभी आपको टॉन्सिलाइटिस की शिकायत हो सकती है। मैं इसके दो आपको केसेस बताता हूँ।
एक बार मेरे पास एक बच्चा आया और उसके मम्मी ने कहा कि डॉक्टर अभी ये 11 साल का है, लेकिन इसको जब से ये स्कूल जाने लगा है तब से हमेशा इसको बार बार टॉन्सिलाइटिस की शिकायत होती है। और जब एग्जैक्टली एग्जाम को 1-1.5 महीना बाकी हो तभी इसको यह टॉन्सिल्स की वजह से यह बीमार होता है। फिर फीवर आता है, हेडेक होता है, पेट में दर्द चालू हो जाता है, कुछ खाने की इच्छा नहीं होती, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, ऐसी सब इसको शिकायतें चालू होती है। तो मैंने उस बच्चे को पूछा, बेटा ऐसे क्या होता है कि आप बीमार होते हो? अब आप होम्योपैथ के पास आ गए हो तो मुझे आपका कॉन्स्टिट्यूशन जानना बहुत इंपॉर्टेंट है और वह कारण जानना इंपॉर्टेंट है जिसके वजह से आप बीमार हो रहे हो। तो उसने कहा, कुछ नहीं डॉक्टर साहब, मुझे एक्चुअली हमेशा परीक्षा के टेंशन होती है। जब मेरा एग्जाम नजदीक आता है तब मैं सोचता हूं कि जो मेरे पेरेंट्स मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वह एक्सपेक्टेशन मैं पूरा कर पाऊंगा कि नहीं। अब यह जो छोटा बच्चा है 11 साल का, उसके दिमाग में यह पेरेंट्स के बारे में ऐसे विचार आ रहे, उनको खुश रखना चाह रहा है। मैंने इसकी माँ से इसके स्वभाव के बारे में पूछा तो उसके माँ ने कहा कि ये बहुत ही अच्छा लड़का है, हमेशा हमसे भी पोलाइटली बात करता है। वैसे जो बाहर से कोई लोग घर में आए या हमारे कोई रिश्तेदार हो, मेहमान हो, या यह कभी दूसरे रिश्तेदार के पास चला जाए तब हमेशा हर एक से बहुत ही पोलाइट से बात करता है। इसका बिहेवियर बहुत ही अच्छा है, इसीलिए सब इसको बहुत मानते हैं। और आप पढ़ाई के बारे में बोलोगे तो ये पढ़ाई में अव्वल है। हमें कभी इसको बताना नहीं पड़ता कि आप पढ़ाई के लिए बैठो, ये खुद ही बैठता है। इसके अगर आप बुक्स देखेंगे, नोटबुक्स देखेंगे, इसका स्कूल बैग देखेंगे तो आपको एकदम टिप टॉप मिलेगा। इसका हैंडराइटिंग भी बहुत अच्छा है और इसको पढ़ाई के अलावा बहुत सारे अदर्स जो बुक्स है वह पढ़ने की बहुत इच्छा होती है और ये पढ़ते रहता है। हमारा कहना कभी टालता नहीं है। हमें ऐसे लगता है कि इतना गुणवान बच्चा हमें भगवान ने कैसे दिया। हम भगवान को हमेशा थैंक्स बोलते रहते हैं, लेकिन पता नहीं इतने अच्छे बच्चे का ये हमेशा जब परीक्षा आती है तब क्यों प्रॉब्लम होते रहता है। तब मैंने उस बच्चे से पूछा, आप इतना अच्छे हो, सब लोग आपकी सराहना कर रहे हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपके माँ बाप को आपके बारे में बहुत प्राउड फीलिंग होती है, तभी भी ऐसा क्या होता है कि आप बीमार पड़ रहे हो? तो उसने सेम उसका जो कारण बताया कि मुझे एग्जाम की टेंशन होती है। तो मैंने उनसे पूछा, इतना एग्जाम को लेके क्यों टेंशन ले रहे हो? वही पेरेंट के एक्सपेक्टेशन। तो मैंने उन पेरेंट को पूछा कि ऐसे क्या एक्सपेक्टेशन आप इससे रखते हो? तो उसकी माँ ने कहा कि डॉक्टर साहब एक्चुअली मैं तो कुछ रखती नहीं हूँ, लेकिन इसके जो पापा है ये एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, लेकिन उनकी परिस्थिति जब वह छोटे थे तब इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन उन्होंने ठान लिया था मैं जिंदगी में कुछ तो कर दिखाऊंगा और उन्होंने कर दिखाया। लेकिन जो बचपन में वो नहीं कर पा रहे थे वो एक्सपेक्टेशन वो अपने बेटे से रखते हैं। हमेशा कुछ मोटिवेशनल मूवी उसको बताते रहते हैं, दिखाते रहते हैं, मोटिवेशनल बातें करते रहते हैं, जैसे कि सचिन तेंदुलकर ले लीजिए, अब्दुल कलाम लीजिए, इनके बारे में बताते रहते हैं और वो हमेशा बोलते कि आपको अव्वल रहना है और यह अपने पापा को नाराज नहीं करना चाहता। हमेशा अपने क्लास में अव्वल आए इसीलिए हमेशा प्रयास करते रहता है। जो मेरे पेरेंट्स ने मुझसे मार्क्स के एक्सपेक्टेशन रखे वो हमेशा पूरा करने की कोशिश करते रहता है और इसको मिलते भी है। तब मैंने इस बच्चे को कार्सिनोसिन यह होम्योपैथिक रेमेडी दी और कार्सिनोसिन से यह बच्चा पूरी तरह ठीक हो गया। अब हम दूसरी केस देखते हैं।
मेरे पास एक महिला आई और उसने कहा, डॉक्टर साहब मेरे 3 बच्चे हैं, वैसे तो मैं बहुत बहुत ही पुअर हूँ, मैं जब कमाती हूँ तब मैं मेरे बच्चों को खाना पीना खिला सकती हूँ, मैं 4 घर के जब ये बर्तन मांजती हूँ तब मुझे उससे कुछ मिलता है, फिर ये जो मेरे बच्चे हैं उनकी परवरिश मैं उनसे ही, जो पैसे मिलते हैं उनसे ही करती रहती हूँ। हमेशा मुझे डर लगा रहता है कि यह बच्चे जो है इनको कुछ प्रॉब्लम हो गया तब मेरे पास जो पैसे है वह पैसे इतने कम रहते हैं कि मैं फिर जब इमरजेंसी आए तब इनको कैसे टैकल कर पाऊँ, और जब ये स्कूल जाते हैं तभी स्कूल में तो खर्चा रहता ही है और अचानक कुछ ऐसे खर्चा आ जाए तो मुझे डर लगता है कि अब ये खर्चा मैं कैसे उठाऊँ। मेरे पास मेरे पति का घर है जिसमें हम रह रहे हैं, लेकिन मेरे पति गुजर गए, लेकिन ये 3 बच्चे छोटे हैं, इनको मुझे बढ़ाना है, और हमेशा मुझे डर लगा रहता है कि अगर मुझे कुछ हो गया, अगर मैं बीमार पड़ी तो फिर मेरे बच्चों का क्या, उनको कौन खाना पीना खिलाएगा। इसलिए हमेशा मुझे अपने तबीयत की चिंता रहती है, मैं हमेशा खुद को बहुत स्वस्थ रखने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि अगर मैं काम कर रही हूँ तो ही मैं इनको खिला पा रही हूँ, इसलिए मुझे रोज काम करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यह सोच सोच के डॉक्टर साहब मुझे पता नहीं हमेशा इस टॉन्सिल्स की शायद बीमारी होती है। मैंने इस जो लेडी है इसको कैल्केरिया फ्लोर नाम की होम्योपैथिक दवा दे दी और इससे इसका जो टॉन्सिलाइटिस का प्रॉब्लम था वो पूरी तरह ठीक हो गया। यह जो टॉन्सिलाइटिस होती है यह टीचर्स लोगों में भी ज़्यादा होती है, क्यों? क्योंकि ये जो टीचर्स रहते हैं ये बच्चों के साथ इनका संपर्क आते रहता है और बच्चों में बहुत बार टॉन्सिलाइटिस की शिकायत होती है तो एक का इन्फेक्शन दूसरे को लगता है। वैसे ही अगर एक बच्चे को टॉन्सिलाइटिस की शिकायत है तो जो बाकी के बच्चे उसके साथ खेल रहे हैं या उसके साथ पढ़ाई कर रहे तो उनको भी टॉन्सिलाइटिस की शिकायत हो सकती है। इसीलिए यह बहुत कॉमन बीमारी है और इसका जड़ से इलाज करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके 3 टाइप है। अगर आपको टॉन्सिलाइटिस हो गई और वह 4-5 दिन तक है या 1 या 2 हफ्ते तक है और वापस चली गई फिर आई नहीं तो उसको अक्यूट टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। दूसरा जो प्रकार है उसको रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस कहते हैं, जिसमें आपको टॉन्सिल्स की शिकायत 1 साल में बार बार हो रही है। और जो तीसरा है वह क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस है, जिसमें आपको एक बार टॉन्सिल्स का इन्फेक्शन लग गया फिर वो टॉन्सिल्स का इन्फेक्शन कुछ भी करने से जा नहीं रहा है और यह टॉन्सिलाइटिस की जो बीमारी है यह शिकायत है यह आपको बहुत सताने लगी है, तब आप क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस की शिकार हो। अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो मेरी सलाह है आप होम्योपैथिक औषधि का प्रयोग कीजिए। अब हम कुछ ऐसे दवाइयाँ देखेंगे कि जिससे आपके इस टॉन्सिलाइटिस की जो शिकायत है उसमें बहुत सारी यह दवाइयाँ उपयोग में आ सकती है, लेकिन मैं जो दवाई बता रहा हूँ वह अगर आपके सिम्टम्स इसमें मैच हो रहे हो तभी भी आपके नज़दीकी होम्योपैथ के पास चले जाइए, उनसे आप सलाह मसलत कीजिए और वह जो रेमेडी देंगे वही रेमेडी आप ले लीजिए। तो शुरू करते हैं ऐसे कुछ रेमेडी और उनके लक्षण जो टॉन्सिलाइटिस में बहुत ही उपयोगी है। इसकी उत्प्रेरक दवा है बेसिलिनम, आप इसका प्रयोग 200 या 1 mg पोटेंसी में कीजिए, 2 हफ्ते में आप एक बार लीजिए, ऐसे 3 खुराक आप ले लीजिए। आपकी ये जो टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम है यह टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम बहुत हद तक कम हो सकती है। अगर आपको टॉन्सिलाइटिस की शिकायत है और उस टॉन्सिलाइटिस की शिकायत में आपका जो थ्रोट है, जो गला है, अंदर से बहुत लाल हो गया है और दर्द इतना भयंकर है कि यह दर्द आपके कानों तक जा रहा है
और आप कुछ भी ठंडा सहन नहीं कर पा रहे हो, आपको बहुत तेज बीमार है, बुखार आ गया है, आंखें लाल हो गई है, सर फटा जा रहा है, तब आप बेलाडोना 200 या 1 mg का प्रयोग कीजिए। आप यह 3 खुराकें लीजिए और अगर फीवर या आपका टॉन्सिलेटिस नहीं उतर रहा है तो आप दूसरे और तीसरे दिन इसका सेम प्रयोग कीजिए, आपका यह प्रॉब्लम बहुत हद तक चला जाएगा। वैसे ही ठंडी प्रकृति के जो लोग हैं या किसी ठंडी चीज़ से आप बहुत अफेक्ट हो रहे हो और यह जो टॉन्सिलेटिस की शिकायत है इसमें बहुत दर्द है और वह पकने चालू हुए होंगे, तो फिर आप हिपार्सल 30 या 200 इस होम्योपैथिक मेडिसिन का प्रयोग कीजिए। यह मेडिसिन है, यह आप 3 खुराकें लीजिए 10-10 मिनट में और आप 3 दिन के बाद देखिए इसमें क्या फर्क आता है, आपको 100% इसमें अच्छा फर्क आएगा। वैसे ही अगर आप ठंडी प्रकृति के आदमी हैं लेकिन आप लोगों में जाने से बहुत डर रहे हो तो आप बराइटा कार्प या 200 या 1 mg पोटेंसी में आप ले लीजिए तो आपको बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आएगा। वैसे ही आप ठंडी प्रकृति वाले आदमी हैं लेकिन हर एक का मानना आप सुनते हो लेकिन करते हो आपके मन की ही, तब आप साइलिशिया करके एक जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो 200 या 1 mg पोटेंसी में आप 3 खुराकें 10-10 मिनट में 3 दिन लीजिए, आपका जो प्रॉब्लम है वो बहुत हद तक ठीक हो जाएगा। और वैसे ही सिलिशिया जब आपके टॉन्सिल्स बहुत पक गए हो तभी भी आप 200 1 mg का प्रयोग कीजिए, आपके जो ये टॉन्सिल्स है इसमें बहुत अच्छा आपको फर्क दिखेगा। अगर आपके जो टॉन्सिल्स वो बहुत लाल हुए होंगे और उसमें डंक मारने वाला जैसा दर्द हुआ होगा, आपको प्यास बिल्कुल नहीं है, आपको गर्मी से बहुत परेशानी है, तब आप एपिस मेलिफिका 30 या 200 इसके 3 खुराक 15-15 मिनट में ले लीजिए, आपको इसमें बहुत सारा आराम आ जाएगा। आपके टॉन्सिल्स बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गए हो, लाल हुए हो, आप में बहुत बेचैनी हो और इस बेचैनी से आप एक जगह बैठ नहीं पा रहे हो, आप बहुत रेस्टलेस हो, तब आप आर्सेनिक एल्बम का प्रयोग कीजिए 200 या 1 mg पोटेंसी में 3 खुराक लीजिए 15-15 मिनट में। उसके साथ ही अगर आपको बहुत गर्मी से आप परेशान हो और गर्मी में आपको अच्छा लगता हो लेकिन ठंडी से आप परेशान हो तभी भी आप आर्सेनिक का प्रयोग कीजिए। वैसे ही अगर आपको कुछ पीने में कोई तकलीफ नहीं है लेकिन अगर आप कुछ सॉलिड पदार्थ खा रहे हो तब आपको तकलीफ हो रही होगी, तब आप बैक्टीशिया 30 यह रेमेडी आप 3 खुराकें 10-10 मिनट में ले लीजिए, आपको बहुत सारा आराम आ जाएगा। ऐसे बहुत सारे दवाई है, जैसे हम सोराइनम ले सकते हैं, जब भी कहीं ठंडी मौसम स्टार्ट हो गई और आपको इस टॉन्सिलेटिस का प्रॉब्लम हुआ तब इस रेमेडी का आप 1 mg पोटेंसी में प्रयोग कर सकते हैं। आप ठंडी प्रकृति वाले आदमी हो, आप थुलथुले आदमी हो, आप बहुत डरपोक आदमी हो और हमेशा आपको इस थ्रोट की प्रॉब्लम आ रही है, तब आप कैल्केरिया कार्प 200 या 1 mg इसकी 3 खुराकें आप आधे आधे घंटे में लीजिए, आपको बहुत सारा आराम आ जाएगा। वैसे ही आपको टॉन्सिलाइटिस जब स्टार्ट होता है तब यह टॉन्सिल्स अंदर से पूरा लाल हो जाता है और उसके साथ ही उसके ऊपर सफ़ेद दाग आपको दिखने लगते हैं, तब आप मर्क सॉल्ट का प्रयोग कीजिए, उसमें डंक मारने वाला दर्द भी रहेगा, आप मर्क सॉल्ट का ज़रूर प्रयोग कीजिए, आपका यह दर्द बहुत ही कम हो जाएगा और इस टॉन्सिल के शिकायत से आप बाहर आ जाओगे। वैसे ही आपके बाएं तरफ यानी लेफ्ट टॉन्सिल, वहाँ से आपका दर्द चालू हो जाता है और यह बाएं कान तक जाता है, सोने के बाद दर्द ज़्यादा बदतर हो जाता है, कुछ खाने से दर्द ज़्यादा बदतर होता है, गर्मी से ज़्यादा दर्द बदतर होता है, तब आप लैकेसिस 200 या 1 mg पोटेंसी में
हर रात आपको एक डोज लेना है, ऐसे 3 दिन आपको लेना है, आपको यह बीमारी से आप पूरे तरह ठीक हो सकते हैं। वैसे ही आपको दाई तरफ से यानी आपके राइट साइड से बहुत दर्द हो रहा है और आप बहुत ही डरपोक आदमी हो, लेकिन लोगों को ऐसे दिखाते हो कि मैं बहुत बहादुर हो, तब आप लाइकोपोडियम 200 या 1 ml का प्रयोग कीजिए। इसका 1 ml का एक खुराक एक हफ्ता में एक ही बार ऐसे 4 हफ्ते ले लीजिए। आप इस बीमारी से, इस क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस से आप इमीडिएटली बाहर आ सकते हो। तो यह कुछ हमने होम्योपैथिक दवाइयाँ आपको बताई, आप इसका प्रयोग आपके डॉक्टर को पूछ के जरूर कीजिए। आप टॉन्सिलाइटिस के अगर शिकार हो तो इस टॉन्सिलाइटिस से आप बिल्कुल बाहर आ सकते हो और एक क्वालिटी लाइफ आप जिंदगी जी सकते हो। यह वीडियो आपको कैसे लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और बेल बटन प्रेस कीजिए। और आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा तो आप लाइक जरूर कीजिए। वैसे ही अगर आपको टॉन्सिलाइटिस की शिकायत हो, आपको कुछ सलाह मसलह करना है, इस बीमारी के बारे में और जानना है या इससे जुड़ी हुई कुछ मेडिसिन के बारे में आपको जानना है, तो आप जरूर हमें जो नीचे दिए डिस्क्रिप्शन में कांटेक्ट नंबर है उसमें कांटेक्ट कीजिए। हम आपके हर प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।